में नए राजनीतिक बदलाव का झंडा लेकर चल रही इनेलो को केरल में पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीदल की जयंती पर हुई समान दिवस रैली से बड़ी उम्मीदें हैं। लगभग दो दशक से सत्ता से बाहर चल रही पार्टी ने फिर से मजबूती के साथ शुरुआत का बिगुल बजाया है। पार्टी सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला ने आधिकारिक तौर पर छोटे बेटे और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभय सिंह को तुम्हें सौंप रहा हूं, इसका हाथ पकड़ लो और उसे कामयाबी दिलाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ रहेगा। ये अगर कोई गलती करेगा तो मैं इसके कान खींच दूंगा। ओबी चौटाला ने यह कहने के बाद मंच से हर नेता ने अभय चौटाला को भावी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। इस रैली में सुनैना चौटाला को छोड़कर किसी ने भी जननायक जनता पार्टी का जिक्र नहीं किया। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आज परिस्थितियां बदल रही है, जनता को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी। इसके बाद हर घर में बुजुर्गों को 7500 रुपए मासिक पेंशन देने के अलावा हर घर में हर महीने एक सिलेंडर व 1100 रुपए दिए जाएंगे। हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और पढ़ाई के साथ बीमार होने पर विद्यार्थी को मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। ओपी चौटाला ने कहा कि प्रत्येक युवा को नौकरी दी जाएगी और बेरोजगारों को 21000 रुपए रोजगारी पता दिया जाएगा। स्कूलों की गिर गई इमारतों की मरम्मत करवाई जाएगी। स्कूलों में शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। अस्पतालों में चिकित्सक भर्ती करने के अलावा मुफ्त दवाइयां देने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। रैली में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने लोकराज लोकलाज के से चलता है नारा दिया था और आज स्थिति यह है कि मौजूदा सरकार करने तो लोकराज से भरोसा और नए लोकलाज से। इस दौरान मंच संचालन युवा इनेलो के प्रभारी कर्ण चौटाला ने दिया। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।